नमस्कार दोस्तों, विंटेज ऑडियो मेमोरीज़ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेल्टन कंपनी का ट्रैक्टर वाला डेक। दोस्तों, इससे पहले भी दो तीन जो ब्रांड थे, जैसे जेके और स्पीड पोस्ट, उनके ट्रैक्टर वाले डेक आपने देखे थे। ये डेल्टन का है दोस्तों, और रेड और वाइट कलर में है ये, जैसा कि इसका बॉक्स भी है। ये ब्रांड न्यू डेक है, और ये दो मॉडल हैं दोस्तों डेल्टन के। ये जो लेफ्ट साइड में चार पीस रखे हैं, इसका मॉडल नंबर है 7474, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और ये 4440 डबल IC में है, और जो मॉडल नंबर 7474 है, ये कैसेट प्लेयर है। और दूसरा वाला जो 7676 मॉडल है, ये दो पीस जिसके हैं, वो कैसेट प्लेयर विद USB है दोस्तों। इसमें USB कार्ड लगा हुआ है और FM के साथ है ये। और दो बॉक्स दोस्तों मैंने दोनों के ओपन कर लिए हैं, और मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि कैसा है कैसेट प्लेयर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट और दिखाता हूँ आपको। तो ये दोस्तों मैंने बाकी सब साइड में रख दिए हैं, और ये बिना USB वाला जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसके अंदर कैसेट प्लेयर। दोस्तों, ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है, जैसा कि बॉक्स भी देखा आपने, और ये जो प्लास्टिक बैग है इस पर भी डेल्टन की ब्रांडिंग है। और ये दोस्तों इंग्लिश भाषा और दूसरा कोई विदेशी भाषा है, ये कुछ वहाँ पर सेफ्टी वार्निंग लिखा हुआ है। और ये दोस्तों मिलता है इसके साथ वारंटी कार्ड। दोस्तों, वारंटी तो अब नहीं मिलेगी। ये कैटलॉग भी है इसमें, और दूसरे मॉडल इसके दिखाए गए हैं डेल्टन कंपनी के। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वारंटी की डिटेल्स लिखी जाती थी। और बाकी ये रहा कैसेट प्लेयर, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं डेल्टन। और ये इसका बैक साइड है दोस्तों, स्पीकर सॉकेट और 12 वोल्ट DC कनेक्ट करने के लिए यहाँ डायरेक्ट वायर दी गई है। और फ्रंट में आप देख रहे हैं 6 टोन कंट्रोल, 3 लेफ़्ट के लिए वॉल्यूम बेस ट्रेबल और 3 राइट के लिए वॉल्यूम बेस ट्रेबल। और यहाँ कुछ LED हैं जिनमें एक पावर की भी है। उसके अलावा दोस्तों, ये इसके ऊपर की साइड है, ये आप देख रहे हैं। कैबिनेट काफ़ी मजबूत है, थोड़ा हैवी वेट भी है। और चलिए दूसरा भी मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ जो USB वाला है, उसके बाद हम एक को टेस्ट करेंगे दोस्तों। साउंड क्वालिटी दोनों का लगभग एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही 4440 डबल IC में है। बस ये USB और नॉन USB वाला जो फ़र्क है। ये मैंने निकाला दोस्तों, इसके साथ रिमोट भी है, ये जो USB पैनल का रिमोट है, और बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला वारंटी कार्ड है। उसके अलावा जो दोस्तों इसके बॉक्स में मिला है वो है कैलेंडर, और ये आप देख सकते हैं इस पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता, हनुमान जी, ये सब प्रिंटेड हैं। और इसका ईयर है दोस्तों कैलेंडर का, हाँ ये देखिए 2010 का ये कैलेंडर है। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2010 में ही मैन्युफैक्चर हुआ होगा। और नीचे लिखा हुआ है दिल्ली 2010, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का इन्होंने लिखा हुआ है, और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है। बाकी दोस्तों ये रहा कैसेट प्लेयर। दूसरे कैसेट प्लेयर की तुलना में इसमें 3 ही टोन कंट्रोल दिए गए हैं दोनों साइड के लिए, वॉल्यूम बेस ट्रेबल कॉमन कर दिया, और यहाँ पर USB पैनल लगाया हुआ है। दोस्तों, USB पैनल की अगर मैं बात करूं तो ये पुश बटन काम नहीं कर रहे हैं, मैंने ये वाला चेक किया था।
क्योंकि ये दोस्तों उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, चाइनीज़ मेरे ख्याल से इन्होंने सर्किट यूज़ किया होगा। तो वो अभी ये 2010 का मैन्युफैक्चरर है तो उसने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि हमारे कैसेट प्लेयर जो बहुत ही ये टिकाऊ रहते हैं वो अभी भी चल रहा है। तो चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, और जैसा कि जानते हैं कॉपीराइट की वजह से हिंदी गाना तो चलाना संभव नहीं हो पाएगा, तो उसका टेस्टिंग वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। और प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये डेल्टन का जो ट्रैक्टर वाला कैसेट प्लेयर है ये 2500 रुपये का, 2500 रुपये का आपको मिल जाएगा दोस्तों, 2500 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है, 12 वोल्ट DC सप्लाई इसे देनी रहती है, तो मैंने एक ट्रांसफार्मर की मदद से इसे कनेक्ट किया हुआ है। मैं पावर ऑन करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कैसेट प्लेयर में एक पावर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, मैं पास से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक पावर का स्विच है, मैं डिस्कनेक्ट करके आपको एक बार फिर से दिखा दूँगा पास से। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ तो दोस्तों फंक्शन ये है कि अगर इसमें कुछ समय तक कैसेट ना लगा हो तो इसका USB जो रीडर है वो काम करना शुरू कर देता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट FM मोड पर चला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी FM मोड पर है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ तो फोकस कभी कभी नहीं हो पाता है कैमरा। ये आप देख रहे हैं FM पर है, और क्योंकि ये बटन काम नहीं कर रहे हैं इसलिए FM को मैं ट्यूनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके बारे में माफ़ी चाहूँगा कि नहीं चल रहा है इसका USB रीडर या FM प्लेयर। बाकी अगर आप टेक्निकल जानकारी रखते हैं तो इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कैसेट प्ले करते हैं, जैसे ही इसमें दोस्तों कैसेट लगा के प्ले करते हैं FM वो बंद हो जाता है, USB या FM। और ये नो कॉपीराइट वाला जो मैंने कंटेंट रिकॉर्ड करके रखा हुआ है YouTube से, ये वही कैसेट है। चलिए टेस्ट करते हैं, प्ले करता हूँ। कैसेट मेरे टेस्टिंग पर्पस से ही है, इसलिए मैंने कुछ इस तरह का कंटेंट रिकॉर्ड करके रखा था जिससे यूट्यूब पे कॉपीराइट की दिक्कत ना आए। बाकी थोड़ा सा गाना चलाने की परमिशन यूट्यूब देता है तो मैं ये एक कैसेट लगाता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर प्ले नहीं कर पाएंगे। आपने दोस्तों इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और ये USB वाला जो था वो मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया दोस्तों। मैं एक बार जो बिना USB वाला है वो भी कनेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं उसको भी। तो दोस्तों ये है बिना USB वाला, और आप देख रहे हैं पावर LED की जो ग्लो कर रही है ब्लू कलर में, कैसेट मैंने लगा दी है और प्ले करते हैं। दोस्तों ये कॉपीराइट कंटेंट ज़्यादा देर प्ले नहीं कर सकते हैं, इसका डिटेल में टेस्टिंग वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा।
दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात करूं तो 4440 डबल आईसी है और आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं उसके साउंड क्वालिटी के बारे में। और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूं तो बहुत अच्छा कंपनी ने इसे बनाया है, अच्छी कैबिनेट लगी हुई है, काफ़ी हैवी है तो वेट भी ज़्यादा है इसमें दूसरे जो ब्रांड थे पहले उनकी तुलना में। और प्राइस भी मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों।